नाम है शिवाया। मैं अनविता हूँ। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं दिवाली के बारे में एक सुंदर कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ आज दिवाली रे, खुशी खुशी सब हंसते आओ आज दिवाली रे। मैं तो लूंगा केक खिलौने, तुम भी लेना भाई। नाचो गाओ खुशी मनाओ आज दिवाली आए। आज पटाखे खूब चलाओ आज दिवाली रे, दीप जलाओ आज दिवाली रे। धन्यवाद। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। श्री नमः। नमस्कार, मैं हूं अनघा। मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूं। भारत त्योहारों का देश है और हम अलग अलग त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज मैं आपके सामने दीपावली के बारे में कुछ तथ्य पेश करने जा रही हूं। दीपावली हिंदुओं के सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। दीपावली का अर्थ है दीपों की माला या घड़ी। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है दीपावली। यह कार्तिक मास में अमावस्या की रात को मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार 5 दिन चलता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस से शुरू होता है और दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा उसके अगले दिन भाई दूज पर खत्म होता है। भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या वापसी के बाद और लंका के राक्षस राजा रावण को पराजित करने के उपलक्ष में दीपावली मनाया जाता है। भगवान श्री राम के वापसी की रात अमावास की रात थी, जिस कारण पूरा अयोध्या अंधकार से डूबा हुआ था। श्री राम जी के लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दियों से पूरा अयोध्या नगरी को रोशन करके इस दिन को दीपावली रूप में मनाया। दीपावली भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह और भगवान श्री कृष्ण के नरकासुर पर विजय के उपलक्ष्य में भी मनाई जाती है। पूरे भारत दुल्हन की तरह दिखती है। भारत में सभी धर्मों के लोग दिवाली को एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। दिवाली की रात को लोग माता लक्ष्मी भगवान गणेश की पूजा करते हैं। यह त्योहार सभी के जीवन को खुशी और नया जीवन जीने का उत्साह प्रदान करता है। इस दिन हम एक प्रण और करेंगे कि अपने वातावरण को दियों से रोशन करेंगे न कि पटाखों से। आप सभी को फिर से दीपावली के अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद।